दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गैंगवार के बाद सोमवार को शाम को राजधानी में फिर से गैंगवार हुई। दिल्ली के नजफगढ़ में नंदू गैंग के शूटरों ने कार सवार एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक 28 वर्षीय दिवांश उर्फ टिंकू खरब मंजीत महाल गैंग से जुड़ा था। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला कि टिंकू पर दिल्ली के अलग अलग थानों में विभिन्न संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला कि हमलावर बदमाश भी सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से टिंकू की कार का पीछा कर रहे थे। खेरा मोड़ से थोड़ी दूर पर ओवरटेक करते हुए टिंकू की कार का रास्ता रोका। इसके बाद कार से दो बदमाश निकले और दोनों तरफ से गोलियां चलाना शुरू कर दी। एक बदमाश ने कुछ गोलियां कार के सामने से चलाई जो कि शीशे को बेधती हुई टिंकू को जा लगी और उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना पर पहुंची छावला थाना पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौका वारदात से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। करीब 6 गोलियां टिंकू को लगी हैं। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर संतोष कुमार मीणा ने बताया कि गैंगवॉर में मारा गया टिंकू अपने परिवार के साथ मुंडेला खुर्द गांव में रहता था। टिंकू ने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की थी और वर्तमान में कोई काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बताया कि पीसीआर को सूचना मिली थी कि खेरा मोड़ के पास गोलियां चली हैं। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो सफेद रंग की i20 कार में चालक सीट पर बैठे युवक को गोली मारी गई थी जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी थी। करीब 8 राउंड गोलियां बदमाशों ने चलाई थी। आपको बता दें आरोपियों में 3 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने टिंकू पर हमला किया जबकि एक गाड़ी में बैठा था। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही